वाली बात करने वाले हैं अगले चीज के बारे में, तो गाइस यह है जडेजा की स्ट्रिक्टली बैटिंग। अगर जड्डू की बात कर लिया जाए तो बल्लेबाजी तो एक तरीके पे ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन गेंदबाजी के मैटर फंसती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जड्डू चेन्नई जब भी मुकाबले लगातार जीतती है, जड्डू की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है। जड्डू परफॉर्मेंस बेटर करते हैं, चेन्नई मुकाबले जीतती है। जड्डू बॉलिंग से परफॉर्मेंस में लैग करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी सी जो दिक्कत है वो यहाँ पे फील करती हुई नजर आ रही है। जो चीजें कही थी वो चीजें सत्य हुई, और जो चीजें मैंने सुधार को बोला था वो चीजें भी चेन्नई ने करी, और रिजल्ट आपके सामने है, और चेन्नई सुपर किंग्स को मिल चुकी है अपने कैंप की तीसरी जीत। हाँ गाइस, 5 में से 3 मुकाबले जीत कर फोर्थ पोजीशन पे अपनी पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी पूरी चेन्नई ने अपना शिकस्त बना लिया है, और यहाँ पे पोजीशन पे नंबर फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे ग्लांस कर दिए हैं। और गाइस आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा खास चीजों के बारे में बात होगी, क्योंकि ये मैच कैसा हुआ, क्या चीजें हुई, चेन्नई को एक तरफा डोमिनियंस के साथ इस मुकाबले में जीत मिली, तो मैच के बारे में बात नहीं होगी। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो 4 टीमें चेन्नई को प्रॉब्लम करेंगी उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गाइस आपको बेसिकली करना क्या है, वीडियो का भी लेकर पूरा इंटरनेट देखना, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, एक बार नीचे देख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यार, 40K तक तो पहुंचा लीजिए फटाफट से, देख लीजिए नीचे सब्सक्राइब नहीं दबाओगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेन तौर पे ये था कि पहले की तरह यहाँ पे 8 टीमें नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी फंगल करते हैं तो यहाँ पे 10 में से सिर्फ 4 टीमें ही प्लेऑफ में जाती हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स को जो 4 टीमें प्रॉब्लम करेंगी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने थोड़े से भी रास्ते भटकने की कोशिश करी तो पीछे वाली टीम आपको गिरा के आगे बढ़ जाएगी, और चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक जितने मुकाबले जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चेपॉक में जीते हैं। गाइस जो सबसे पहली टीम है जो चेन्नई को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली है वो है राजस्थान रॉयल्स। आरआर की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे है, 4 में से 4 मुकाबले जीत के, यानी कि बेसिकली अब इनके पास जो भी 10 मुकाबले बचे हैं सिर्फ इन्हें 4 मुकाबले जीतने की जरूरत है और ये प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। यानी कि एक तरीके से अगर आप अभी से परसेंटेज देखेंगे तो 80% चांसेस है कि राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली है, लेकिन अगर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स अगर गिरती है तब चेन्नई को अच्छे खासे फायदे होंगे, नहीं तो अगर बात करेंगे राजस्थान 2 मुकाबले लगातार और जीत लेती है तो ये चेन्नई को प्रॉब्लम्स में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स जो पोजीशन 1 और 2 लेना चाहती है वहां पे दिक्कतें हो जाएंगी, और राजस्थान से भी चेन्नई के मुकाबले बचे हैं वहां पे भी दिक्कतें हो जाएंगी। तो राजस्थान रॉयल्स पहली टीम है जो कि चेन्नई को काफी ज्यादा दिक्कत करने वाली है। दूसरे टीम के बारे में बात करें, केकेआर को तो अभी चेन्नई ने यहाँ पे रौंद के भेजा है, लेकिन ये मुकाबले आप नहीं देखेंगे, उसके पहले के मुकाबले अगर आप चेक करेंगे तो जो प्रॉपर डोमिनेंस होता है वो यहाँ पे केकेआर की टीम ने दिखाया, और अगर बात कर ले अगर इस मुकाबले से अगर ये सीख लेके आगे के मुकाबले में भी अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं केकेआर चेन्नई को काफी ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली है। और गाइस इस तरीके से बात कर ले तो ये दूसरी टीम है जो कि यहाँ पे दिक्कत करती हुई चेन्नई को नजर आने वाली है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे इनका दबदबा काफी बेहतर है, 4 में से 3 मुकाबले ऑलरेडी जीते हैं, और पॉइंट्स टेबल पे बात कर लें तो इनका जो नेट रन रेट है वो भी काफी अच्छा है। पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं टेलीग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, टेलीग्राम पे क्या देखने को मिलता है। टेलीग्राम पे आपको देखने को मिलता है फुल कंटेंट, फुल न्यूज, फुल गिव अवे, फुल लाइव चैट, यानी कि जो आप लाइव देखना चाहते हैं, जो कि लाइव हमसे बात करना चाहते हैं, अपने जो भी क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हैं, सब चीजें टेलीग्राम पे हो रही है। अब से रेगुलर यहाँ पे लाइव होगा, मैं रोज लाइव करने वाला हूँ, और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा चेन्नई को क्या दिक्कतें हैं और बाकी टीमें कैसे पहुंच सकती हैं, क्या चीजें हैं, सब चीजें यहाँ पे रोज 1 घंटे लाइव होगा। यहाँ पे बात करें 8 से 9 बजे रोज लाइव होगा, वहां पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब चीजें चलती हुई नजर आ रही है, गिव अवेज हो रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम को फॉलो करना है, फटाफट ये चीजें आगे करनी है। तो भाई पहली बात करने वाले तीसरे टीम के बारे में हैदराबाद। हैदराबाद ने यहाँ पे चेन्नई जितने ही मुकाबले जीते हैं लेकिन 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं 2 हारे हैं, लेकिन अभी तक जो मुकाबले ये जीते हैं, जो प्रॉपर डोमिनेंस होता है, जो कि कहा जाता है कि सामने वाली टीम को पूरी तरीके से निस्ता नाबूद कर देना, पूरी तरीके से सफल कर देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना, वो काम यहाँ पे करती हुई हैदराबाद नजर आ रही है, और इनकी टीम काफी ज्यादा बैलेंस भी है, काफी ज्यादा सुटेबल भी लग रही है, और लग भी रहा है कि ये टीम कुछ बड़ा करके जाने वाली है। और ऐसे में अगर हम लोग बात कर लिया जाए
तो चेन्नई को ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 स्पॉट है और आप लगातार मुकाबले इसी तरीके से जीतते हैं, और ये तो चेन्नई को ही मुकाबले हराए थे, तो अगर ये मुकाबले जीतेंगे तो चेन्नई को यहाँ पे पोजीशन बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। और यहाँ पे बात करें तो अभी तक की अगर आईपीएल की देखें तो ये तीसरी टीम दिखती हुई नजर आ रही है। चौथे टीम की बात करें एलएफजी 4 में से 3 मुकाबले ये भी जीते हैं, ये भी काफी अच्छे तरीके से फॉर्म में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी टीम भी प्रॉपर वे में चलती हुई नजर आ रही है, काफी अच्छी तरीके से सामने चलती हुई नजर आ रही है। इनकी भी टीम की बात करें तो बैलेंस तैयार है, सब चीज तैयार है, और यहाँ पे चेन्नई से 2 मुकाबले बचे हैं और 1 मुकाबला लखनऊ में है, तो कहीं ना कहीं एलएफजी भी एक टीम है जो कि चेन्नई को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डालती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि अगर प्रॉपर डोमिनेंस की बात करें तो ये भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये टीम भी ऐसा लग रहा है कि सामने अगर यहाँ पे अगले कुछ मुकाबले जीतेंगे तो चेन्नई के फैंस और यहाँ पे चेन्नई को थोड़ी सी दिक्कतें होती हुई नजर आएंगी। तो गाइस ये थी वो 4 टीमें जो कि चेन्नई तो जीती तो है मुकाबले, और अगर आगे भी अगर चेन्नई जीतती है तो दिक्कतें तो उतनी ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन अगर चेन्नई को दिक्कतें होती हैं अगर ये मुकाबले हारते हैं तो कहीं ना कहीं ये 4 टीमें इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स करती हुई नजर आने वाली है। तो भाई फाइनली आप बताएगा कि आपके लिए कौन सा लगता है इन 4 में से 2 कौन सी टीम है जो कि काफी ज्यादा दिक्कतें करने वाली है, अपनी राय जो बताएगा वीडियो फ्लाई की कमेंट के शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों फिलहाल करते हैं।